दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को हाई कोर्ट में इस पर लंबी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में खूब बहस हुई। हालांकि ईडी और अरविंद केजरीवाल दोनों के ही वकीलों की दलीलें पूरी हो गई हैं और कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आइए जानते हैं आज दिल्ली हाई कोर्ट में दोनों के ही वकीलों ने क्या क्या दलीलें पेश की। ईडी ने हाई कोर्ट में कहा कि शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की भूमिका दोहरी है, व्यक्तिगत तौर पर भी और आपके राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते भी। उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बनता है क्योंकि रिश्वत के लिए नीति में बदलाव किया गया, रिश्वत ली गई, उस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में किया गया। इसलिए यह कहने का कोई आधार नहीं है कि मेरे पास से कुछ नहीं मिला, क्योंकि पैसा आया और खर्च हो गया। अपराध में शामिल होना भी अवैध है। ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने कहा कि अगर चुनाव से दो दिन पहले कोई राजनेता कोई अपराध करता है तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? क्रिमिनल लॉ में किसी को इम्यूनिटी हासिल नहीं है। यह बिल्कुल बेतुकी दलील है कि चुनाव होने वाले हैं, इसलिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। अदालत जांच अधिकारी की जगह नहीं ले सकती, यह तय करने का अधिकार पूरी तरह से जांच अधिकारी का होता है कि किसे कब और क्यों गिरफ्तार करना है। लंच ब्रेक से पहले अरविंद केजरीवाल के वकील संघवी ने अपनी दलीलें पूरी कर ली थी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि सीनियर एडवोकेट अमित देसाई को दलीलें रखने के लिए 5 मिनट दे दिए जाएं। इसके बाद एएसजी अपनी दलीलें रख सकते हैं। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के लिए एक ही वकील पेश हो सकता है। आप प्रभावशाली अमीर व्यक्ति होंगे जो कई बड़े टॉप वकीलों को हायर कर सकते हैं, पर क्रिमिनल लॉ सबके लिए बराबर है। आप आम आदमी होने का भले ही दावा करते हैं पर है नहीं। जिसके बाद जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने देसाई से कहा कि वह लिखित में अपनी बात अदालत को सौंप दें। ब्रेक के बाद कोर्ट ईडी के दलीलें सुनेगी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सिंघवी से सवाल किया, आपने जो दो जजमेंट रेफर किए उसमें आवेदक को दोषी ठहराया जा चुका था। एक मामला जिसमें दोषी ठहराया जा चुका है और दूसरा केस जिसमें चार्जशीट फाइल तक नहीं हुई। दोनों के स्टैंडर्ड ऑफ टाइम बिल्कुल अलग है। सिंघवी ने कहा कि मैं मामले को संपूर्ण तौर पर अदालत के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। शरत रेड्डी के बयानों का जिक्र करते हुए सिंघवी ने हाई कोर्ट से कहा कि उसके 13 से ज्यादा बयान दर्ज किए गए, जिसमें 11 बयानों में मेरे खिलाफ कोई बयान नहीं है, पर अदालत का ध्यान बाद वाले बयानों में गया, 11 बयानों पर नहीं जो पहले दिए गए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद उन्हें जमानत मिल जाती, माफ कर दिया जाता। अफसोस की बात है, यह बिल्कुल भी फेयर प्ले नहीं है। कोर्ट में केजरीवाल खिलाफ कोई सबूत न होने का दावा करते हुए सिंघवी ने बयानों का जिक्र किया, खास तौर पर राघव मंगुता के बयान का जिक्र किया और बताया कि उसके शुरुआती बयानों में कहीं पर भी केजरीवाल का नाम नहीं आया। 4 बयानों के बाद जब वह केजरीवाल खिलाफ बयान देता है तो उसे 10 दिनों के बाद जमानत मिल जाती है। यह एक आरोपी को आपराधिक कानून के तहत मिले अधिकारों का उपहास है। मंगुता उसी एमपी का बेटा है जो हाल में ही सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो गए हैं। सिंघवी ने ईडी के जवाब पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये इस अदालत में कह रहे हैं कि मौजूदा याचिका इसलिए निराधार हो जाता है क्योंकि केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के सामने खुद कहा कि वह रिमांड बढ़ाने का विरोध नहीं कर रहे। सिंघवी ने कहा कि यह बेहद असाधारण सा जवाब है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।